शिवपुरी शहर के कोर्ट रोड स्थित सब्जी मंडी पर फुटकर सब्जी विक्रय करने वालों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। फुटकर सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि सब्जी मंडी को हटाकर नगर पालिका एक व्यापारिक मॉल बनाने की योजना पर कार्य कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो करीब 500 फुटकर सब्जी विक्रेता बेरोजगार हो जाएंगे, जिसका असर उनके परिवार के 5-5500 सदस्यों पर पड़ेगा। आज सभी फुटकर सब्जी विक्रेताओं ने कलेक्टर से उनकी जगह यथावत रहने की मांग की है। ऐसा न होने पर अनशन पर बैठने की बात भी फुटकर सब्जी विक्रेताओं द्वारा कही गई है। जानकारी के मुताबिक शिवपुरी नगर पालिका कोर्ट रोड स्थित सब्जी मंडी से लेकर पानी की टंकी तक एक सब व्यापारिक मॉल के निर्माण की योजना पर कार्य कर रही है, जिससे नगर पालिका को बड़ा राजस्व मिलेगा और मुख्य मार्केट में एक ही मॉल में लोगों को सुविधाएं मिल सकेगी। नाम है आपका? मेरा रंजीत यादव नाम है मेरा। आज आप यहाँ कलेक्ट्रेट पे आए हो? आज इसलिए आए हम कि हमको बार बार ये बोल रहे हैं कि यहाँ से हटना है। आप लोग क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमको जहाँ भी बैठा लें आप लोग कितने कितने साल से वहाँ पे मंडी लगा रहे हैं? ये आस पास क्या मांगे आप लोगों की इच्छा के भाई मंडी बने? भाई बने तुम 10 महिला बनवा दो हनी चरा। क्या चाहती हो? जय मंडी चाहते हैं। अच्छा, इसी मांग को लेकर आप रुक जाए? जय रुक जा नीचे। जय कितने साल से लगा रहे हो आप यहाँ? अच्छा, अभी कौन नगर पालिका वाले हटे? नगर पालिका वाले हटा रहे हैं आपको? अच्छा, आप चाहते हो कि भाई लगे? कितनी सालों से दुकान लगा रहे हो? कितनी सालों से आप दुकान लगा रहे हो? कितनी सालों से दुकान लग रही है? जिंदगी तो तीन पीढ़ी निकल गई। आश्वासन दिया आपको कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? नहीं है कोशिश करेंगे।